एपिसोड के स्टार्ट में चीटो से अमाने से कुछ एडवाइस ले रही होती है कि वैलेंटाइंस डे पे इसुकी को वह कैसी चॉकलेट्स दे। अमाने बोलता है शीना के पास ज़्यादा बढ़िया आइडिया होगा मेरे से। चीटो से कहती है मैं उससे पूछूंगी, लेकिन तुम बाई चांस एक लड़के ही हो तो मैंने सोचा तुमसे भी पूछ लूँ। अमाने कहता है ये क्या कह रही हो तुम, मैं एक जेन्युइन लड़का ही हूँ। चीटो से कहती है जेन्युइन लड़के लड़कियों पे कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं जब अकेले होते हैं। और ये सुन के माहिरू ब्लश करने लगती है। अमाने कहता है ये सब वो लोग करते हैं जो डेट कर रहे हो एक दूसरे को और हमारा वैसा रिलेशन नहीं है। चीटो से कहती है कभी कभी ऐसा लगता है तुम्हें बहुत अच्छी परवरिश मिली है। अमाने मन में कहता है ये झूठ होगा अगर मैं बोलूँ कि माहिरू को देख के मुझे कुछ होता नहीं, लेकिन मैंने कभी कुछ उल्टा करने का सोचा नहीं। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे हेट करे या फिर रोए मेरी वजह से, और यही चीज़ सबसे पहले मेरे मन में आती है जब भी मैं माहिरू के बारे में सोचता हूँ। अब ये तीनों एक साथ बैठ जाते हैं। चीटो से बोलती है मैं तुम्हें भी चॉकलेट दूंगी अमाने, तो तुम्हें कैसी चाहिए? अमाने कहता है कुछ ऐसा जो ज़्यादा मीठा ना हो। चीटो से कहती है मैं ट्राई करूँगी। अमाने कहता है उसमें कुछ उल्टी सीधी चीज़ मत डाल देना। चीटो से कहती है चिंता मत करो वो खाने लायक ही होगी। और माहिरू से पूछते कि क्या तुम किसी को चॉकलेट देने वाली हो? माहिरू कहती है सिर्फ क्लास की गर्ल्स को जो मेरी फ्रेंड्स हैं। चीटो से कहती है किसी लड़के को नहीं? माहिरू कहती है अगर मैंने ऐसा करा तो हंगामा मच जाएगा, लेकिन तुम्हें ज़रूर मिलेंगी। ये सुन के ये माहिरू से चिपक जाती है और कहती है मैं तुम्हें भी दूंगी चॉकलेट्स असली वाली, जो अमाने को दूंगी वो वाली नहीं। अमाने कहते हैं मैंने सुन लिया। चीटो से बोलती है मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैं तुम्हें खाने लायक चॉकलेट्स ही दूंगी। अमाने कहता है खाने लायक और अच्छी चॉकलेट्स दोनों अलग अलग चीज़ हैं। चीटो से कहती है तुम बस वेट करो और देखो। तो अब आ जाता है वैलेंटाइंस डे और स्कूल में काडोवाकी को हर लड़की आगे चॉकलेट्स दे रही होती है और ये सब देख के क्लास के बच्चे खुश नहीं होते। अमाने और इसुकी भी इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इसके पास इतनी सारी चॉकलेट्स हो गई हैं और सब काफ़ी गुस्से में हैं इस वजह से। इसुकी कहता है मिडिल स्कूल से यही हाल है इसका। अमाने कहता है इतनी चॉकलेट्स खा के भी ये मोटा नहीं होता, मुझे तो इतनी मिलती ही नहीं कि मैं मोटा हो सकूं। इसुकी बोलता है चीटोसे के पास तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। अमाने कहता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है? इसुकी बोलता है रूशियन चॉकलेट। अमाने कहता है आखिर उसमें उसने डाला क्या है? इसुकी बोलता है एक में चिली और पेपर वगैरह और दूसरे में कंसनट्रेटेड पिकल्ड प्लम एक्सट्रैक्ट जेली और बाकी चॉकलेट्स ही हैं। वैसे अमाने क्या लगता है उससे मिलेंगी तुम्हें चॉकलेट्स? अमाने कहता है मुझे नहीं पता। इसके बाद छुट्टी का टाइम आ जाता है। चीटो से अमाने को इसकी स्पेशल वाली चॉकलेट देती है और बोलती है इसमें से कुछ स्वीट और बिटर चॉकलेट है। अमाने कहता है थैंक्स वॉर्न करने के लिए। इसुकी बोलता है जी क्या तुम सीरियस हो? चीटो से कहती है कुछ नहीं होगा मुझे पता है ये पैलेट क्लींजर ले लेगा, और यहाँ से चली जाती है फिर। और अमाने भी जाने लगता है और जाते वक्त काडोवाकी को अपना शॉपिंग बैग दे देता है जो ये अपने पास रखता है हमेशा शॉपिंग के लिए, जिससे ये चॉकलेट्स ले जा सके अपनी आराम से। घर जाके अमाने चीटोसे की चॉकलेट ट्राई करता है लेकिन बेकार वाली खा लेता है और इसका मुँह का टेस्ट बिगड़ जाता है। माहिरू इसे हॉट चॉकलेट देती है जिससे इसका टेस्ट ठीक हो जाए। अमाने इसे पी के कहता है ये काफ़ी अजीब है, वैसे तुम तो हॉट मिल्क बनाती थी ना बाकी टाइम। माहिरू ब्लश करने लगती है और कहती है हाँ। अमाने कहता है कहीं ये तुमने वैलेंटाइंस डे की वजह से तो नहीं बनाई ना? माहिरू कहती है हाँ शायद। अमाने बोलता है थैंक्स ये बहुत डिलीशियस है। और फिर माहिरू को देख के कहता है क्या हुआ? और माहिरू शर्माते हुए घर भाग जाती है। अमाने कहता है क्या हुआ मैंने कुछ करा क्या? और डोर के पास जाके देखता है, यहाँ पे एक बैग होता है जो कि माहिरू ने रखा होता है इसके लिए। इसमें एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है थैंक्स हमेशा मेरा ख्याल रखने के लिए, ये मेरी तरफ से उन सब चीज़ों के लिए एज अ थैंक्स। अमाने इसे खोल के देखता है और इसमें एक नोट और होता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें शायद ज़्यादा मीठा पसंद नहीं तो मैंने कुछ ऐसा बनाया है जो तुम खा सको, इन्हें ऑरेंजेट्स कहते हैं, आई होप ये तुम्हें पसंद आएंगे। और तभी अमाने याद करता है जब उसने चीटोसे को ये बताया था कि उसे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं, और अमाने इसे खा के देखता है और इसे ये काफ़ी पसंद आता है। अब अगले दिन स्कूल में काडोवाकी अमाने के पास आता है। ये देख के लड़कियाँ बोलने लगती हैं ये काफ़ी अजीब है कि काडोवाकी फुजमिया से बात कर रहा है,
फूजी मियाँ तो सिर्फ आकजावा से करता है ना, और काडोवा की अमाने को थैंक्स बोलता है उसको हेल्प करने के लिए, और अमाने कहता है कोई बात नहीं ये तो चलता रहता है। अब इसुकी इसके पास आके बोलता है क्या तुमने यूटा के लिए कुछ किया। अमाने इसे बताता है कि इसने इसे शॉपिंग बैग दिया था चॉकलेट के लिए। ये सुन के इसुकी बोलता है तो शॉपिंग बैग साथ रखते हो, तुम तो काफ़ी घरेलू इंसान बन गए हो। अमाने कहता है हाँ शायद ये किसी का प्रभाव पड़ा है मेरे ऊपर। इसुकी बोलता है एक पार्टनर होना काफ़ी बढ़िया है। अमाने कहता है हम पार्टनर्स नहीं हैं। वैसे चिटोसे का क्या। इसुकी बोलता है घर के काम इम्पॉसिबल नहीं है उसके लिए करना अगर वो किसी अजीब आइडिया में ना फंसे तो, एक बार हमारी शादी हो जाए तो वो सब संभाल लेगी। अमाने कहता है तो कितना टाइम लगेगा तुम्हारे डैड को मनाने में, ये काफ़ी रेयर है एक पेरेंट तुम्हारे पार्टनर के बारे में कंप्लेन करे। इसुकी कहता है मुझे नहीं लगता है डैड की हाँ है, लेकिन बाद में मैं उन्हें मना ही लूँगा। और अमाने इसे गुड लक विश करता है और इसुकी भी यही कहता है। अमाने कहता है ये किस चीज़ के लिए। इसुकी बोलता है तुम्हारे और उसके लिए। अमाने कहता है हमारे बीच वैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट दिन में अमाने घर पे पहुंचता है और माहिरू यहाँ पे पहले से आ रखी होती है। अमाने इसे कल के गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है वो काफ़ी डिलीशियस थे, तो तुम्हें रिटर्न में क्या चाहिए। माहिरू कहती है मैंने वो कुछ रिटर्न में लेने के लिए नहीं दिया था तुम्हें। अमाने कहते हैं हाँ पता है, लेकिन मुझे एटलीस्ट कुछ देना तो चाहिए ही, मैं एक मैन नहीं कहलाऊंगा अगर तुम्हें रीपे ना करूँ तो। माहिरू कहती है तुमने मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ दे रखा है। अमाने कहता है फिर भी मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए ज़्यादा करती हो हमेशा, तुम मेरा हमेशा ख्याल रखती हो। माहिरू कहती है मैं वो सब करती हूँ क्योंकि मैं वो करना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये रियलाइज़ भी होगा कि तुम मेरे लिए क्या करती हो, लेकिन मुझे पता है सब तो कोई नहीं। अमाने कहता है मैं कुछ सोच लूँगा जो तुम्हें पसंद आएगा, वैसे ज़्यादा हाई होप्स मत रखना। माहिरू कहती है ओके, लेकिन तुमने जो भी मुझे दिया मैंने उसे संभाल के रखा है, मैं मिस्टर बियर का भी ध्यान रखती हूँ। अमाने कहता है मिस्टर बियर, फिर इसे याद आता है और फिर कहता है मुझे खुशी हुई जान के। अब माहिरू बोल दिया मुझे तुम्हारा बर्थडे कब आता है वो नहीं पता। अमाने बताता है 8 नवंबर। माहिरू इस पर गुस्सा हो जाती है इसके लिए क्योंकि इसने पहले नहीं बताया इसे इसके बारे में। अमाने कहता है लेकिन तुमने भी तो मुझे नहीं बताया था अपना बर्थडे, मुझे भी तब पता चला जब मैंने तुम्हारा आईडी कार्ड देखा था, और उस वक्त हम इतना क्लोज नहीं थे जितने अब हैं, अगर मैं तुम्हें बताता तो उस टाइम तुम कहती क्या एरोगेंट जर्क है ये। माहिरू तभी इसे रोक देती है और कहती है कोई नहीं हम इस साल ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। अमाने कहता है ये तो एक साथ थोड़े और टाइम रहने का प्रॉमिस जैसा लगता है। ये सुन के माहिरू शर्माने लगती है और कहती है मैं तुम्हें डिसलाइक नहीं करती, मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ रिलैक्स कर सकती हूँ। अमाने कहता है थैंक्स। माहिरू बोलती है मेरा और कोई इरादा नहीं है। अमाने कहता है हाँ वो मुझे दिख रहा है, और माहिरू मुंह बना लेती है। नेक्स्ट सीन में होता है वाइट डे जो कि वैलेंटाइंस डे के एक महीने बाद आता है। अमाने माहिरू के लिए एक गिफ्ट लेने आया होता है और यहाँ पे काम करने वाली लड़की आके इससे पूछती है कि क्या चाहिए इसे। ये इसे बताता है कि एक लड़की जो कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन हमारा क्लोज रिलेशन है तो उसके लिए कुछ चाहिए मेरे को, और ये लड़की इसे कुछ चीज़ें दिखाती है जो लड़कियों को पसंद आती हैं। अब ये घर जाता है और हेयर स्टाइल चेंज करके जाता है और थोड़ा रेडी होके, और इसे ऐसे देख के माहिरू शॉक्ड हो जाती है। अमाने कहता है अगर तुम इससे डिस्ट्रैक्ट हो रही हो तो मैं ठीक कर लेता हूँ इसे, लेकिन माहिरू इसे रोक देती है और कहती है तुम ऐसे ज़्यादा कूल लग रहे हो, और इसे ऐसे ही रहने को कहती है। अमाने अब इसे इसका गिफ्ट देता है और माहिरू इसे खोलती है। इसमें होता है एक ब्रेसलेट। ये देख के माहिरू बहुत खुश होती है, और एक चीज़ और दिखती है इसे अंदर। अमाने कहता है मुझे एक चीज़ काफ़ी नहीं लगी। माहिरू इसे देखती है और ये होती है एक टिकट जिसमें लिखा होता है कुछ भी करो जो तुम चाहती हो। माहिरू कहती है क्या ये मैं यूज़ कर सकती हूँ अभी। अमाने कहता है किस चीज़ के लिए। माहिरू बोलती है मुझे ये पहना दो। अमाने कहता है इसके लिए तुम्हें टिकट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, और इसे पहना देता है और बोलता है तुम पे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। माहिरू कहती है थैंक्स, और अमाने इसे देखते ही रह जाता है और फिर कहता है मैं ये झेल नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में अमाने इसुकी के साथ होता है, और जब इसुकी को ये सब पता चलता है कि क्या क्या हुआ, ये बोलता है तुम काफ़ी क्लोज आते जा रहे हो। अमाने कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसुकी बोलता है तो तुम्हारा फ्रेंड होने के नाते एक प्रेडिक्शन तो करने दो। अमाने कहता है क्या। ये बोलता है एक दिन तुम चेंज हो जाओगे।
मुझे तो अभी से चेंजेस दिख रहे हैं तुम में। अब तुम्हें फर्स्ट स्टेप लेना है। अमाने कहता है, बोल तो ऐसे रहो जैसे तुम्हें सब पता है। ईसु की हंसते हुए कहता है, हम कितने साल से फ्रेंड्स हैं? अमाने कहता है, अभी तो एक भी नहीं हुआ। ईसु की बोलता है, लेकिन फिर भी तुम बोलते रहते हो तुम उसके लायक नहीं। लेकिन जब ऐसा बोलते हो तुम, ये सेम है जैसे तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट सीन में अमाने घर पहुंचता है। माहिरू कहती है, तुम लेट हो। अमाने मन में कहता है, ये एक यंग वाइफ जैसी लग रही है। फिर कहता है, मैंने इसुकी के साथ फ्राइज खा ली, लेकिन मैं फिर भी खा लूँगा खाना। माहिरू कहती है, तुम्हारा वज़न बढ़ जाएगा। वैसे तुम पतले हो काफ़ी, तो थोड़ा वज़न बढ़ जाए तो कोई नहीं। अमाने कहता है, सेम चीज़ तुम पे भी लागू होती है, कहीं तुम टूट ना जाओ। माहिरू कहती है, इतनी भी कमज़ोर नहीं मैं। अमाने कहता है, ऐसा है क्या? ये देखो तुम्हारा हाथ कितना पतला है। माहिरू तभी ब्लश करने लगती है। अमाने कहता है, सॉरी मैं भूल गया था कि तुम्हें कोई टच करे, ये पसंद नहीं तुम्हें। माहिरू कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर तुम मुझे टच करो तो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे टच करो, मैं बस ये नहीं चाहती कि कोई और लड़का मुझे टच करे। अमाने तभी कहता है, तुमने वो ब्रेसलेट नहीं पहना आज? मैं वैसे ये नहीं कह रहा कि तुम पहनो। माहिरू कहती है, काम करते वक्त पहनूंगी तो वो बीच में आ जाएगा और ख़राब हो जाएगा, तो मैं उसे उन दिनों के लिए संभाल के रखूंगी जब मैं फ्री होंगी। अमाने कहता है, मुझे खुशी हुई है सुन के। माहिरू कहती है, मैं तुम्हारी दी गई सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखती हूँ, मिस्टर बियर, की केस, ब्रेसलेट, वैसे हैंड क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं। तभी अमाने कहता है, मैं चेंज करने जा रहा हूँ, और यहाँ से चले जाता है और अंदर जाके कहता है, ये तो सच में एक यंग वाइफ जैसी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।